कांग्रेस सरकार के जाने के 100 दिन के बाद प्रदेश की हालत को लेकर जिला कांग्रेस ने आज काला दिवस मनाते हुए एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष वीरेंद्र दरबार ने शिवराज सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि 100 दिनों में प्रदेश की स्थिति खराब कर दी है। हर व्यक्ति आज तरह से नजर आ रहा है। बिजली के बिल अनाप शनाप लिए जा रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है, किसानों का कर्ज माफ नहीं हो रहा और माफियाओं को संरक्षण देने का काम शुरू कर दिया गया है। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। आज काला दिवस इस खुशी में मना रही है कि जो शिवराज सरकार ने और शिवराज जी ने मध्य प्रदेश के जो दुर्दशा की है 100 दिन में, ऐसे दुर्दिन न तो कभी देखे थे न सुने थे न कभी इतिहास में रहे हैं। ऐसे दुर्दिन दिया जो आज हैं मध्य प्रदेश की हालत के, जहां किसान परेशान, न यूरिया मिल रहा है, कर्ज के नाम से जो कमलनाथ सरकार ने जो कर्ज माफ़ किया था वो कर्ज किस्तें डल नहीं रही है, बिजली बिल अनाप शनाप आ रहे हैं, जनता त्राही त्राही है, पेट्रोल डीजल के भाव 10-10, 15-15 रुपए लीटर बढ़े हुए हैं और बिजली के बिल जहाँ 100 रुपए आते थे वहाँ 3-3, 4-4 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं। साथ ही जो सरकार में जो भ्रष्टाचार जो आज खुल के हो रहा है, जो भूमाफिया को नकेल डाली थी कमलनाथ सरकार ने, आज वो खुलेआम घूम रहे हैं, उनकी वापसी हो रही है, रेत माफिया वापस जिंदा है, धड़ाधड़ रोजगारियां निकल रही, लोग देख रहे हैं। साथ ही सट्टा जुआ सब खुल के, जितने भी भ्रष्टाचार के जितनी भी मुहिमें उस शिवराज सरकार में खुले रूप से चल रही है। इसी के लिए हम आज धरने बैठे हैं और जो 100 दिन का ये शासन है हुआ है, इससे बुरे दिन कहा मध्य प्रदेश सरकार में कभी देखे नहीं है और जनता ने कभी सुने नहीं है और न भुगता है। कोरोना काल में कोरोना के नाम से करोड़ों रुपए भ्रष्टाचार हो रहा है, न टेस्टिंग ढंग से हो रही है, न इलाज हो रहा है, सिर्फ वाहवाही और आंकड़ेबाजी का खेल हो रहा है। मीडिया कई बार इसको उजागर कर चुका है, इसी कारण हम आज धरने पे बैठे हैं और यह हमारा सांकेतिक धरना है। आने वाले समय में कई बड़े आंदोलन और धरने करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।